তোমার নেই? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी भाई। यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। तो दोस्तों पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पूरा एम्प्टी हो गया है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीदें सभी थी होंगे। तो और एक नए वीडियो में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। फिलहाल आज को यहाँ पर लुके ले गया है, वो स्ट्राइक दे दिया गया है, अचानक से स्ट्राइक दे दिया ना तो मुझे पता नहीं। तो फिलहाल जगह देते हैं, आज पार्सल कस्टमर को दे पाता हूँ या फिर कन्फ्यूज हो रहा है। तो कस्टमर को ऑलरेडी कर लिया है फ़ोन, तो सामने दो तीन पार्सल देना है, उसके बाद मेन जगह पे जाना है। तो वहाँ पर जा पाता हूँ या फिर नहीं देखना पड़ेगा। ओके, और पेट्रोल जो है मैंने 50 रुपये का पेट्रोल भरवाया था एक्स्ट्रा माइलेज वाला, तो कल जो है आते आते पूरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है पूरा। और कल बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर लिया ना, इसलिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा लिया मेरे स्कूटी। अभी मेरा पेट्रोल का टंकी जो है एम्प्टी दिखा रहा है, और इतना तो एम्प्टी नहीं, आधा लीटर तो मैंने डलवा दिया 50 रुपये का एक्स्ट्रा माइलेज। तो फिर अभी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज पूरी तरह से नहीं घूम पाऊँगा शायद। ये ऑटो देखो मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है, कहाँ पर जाएंगे भाई इतना जल्दी, इतने छोटे रास्ते में इतना स्पीड पकड़ता है भाई। देखो ना ड्राइवर का इतना जिद है, देखो स्पीड बहुत ज़्यादा मर रहा है। फिलहाल अभी यहाँ से टर्निंग है, तो यहाँ से बाई मुड़ जाता हूँ और सामने बहुत सामने देना है पार्सल कस्टमर को। ये बंदा है तुम्हारा नहीं? रास्ते में मिल गया ये बच्चा, तो फ़ोन करके बोल दिया था, तो इसको दे रहा हूँ अभी एक पार्सल। ये रहा, जा रहा है, इसके दादी के साथ आ गया था यहाँ पर, बहुत खुशी के मारे यहाँ पर उछल रहा था। ओके, बैग को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देता हूँ और सामने जाने वाला हूँ उसको सामने, तो वह यहाँ पर रास्ते में मिल गया था तो दे दिया है मैंने। ओके चलिए दोस्त, बहुत भारी है भाई, दो तीन पार्सल इतना भारी। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर रुक गया हूँ इस मंदिर के सामने, तो कस्टमर जो है यहाँ आएंगे, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो बैग को उतरना पड़ेगा भाई, पूरा पीठ जो है दर्द हो गया है। फिलहाल पार्सल को निकल के रख देता हूँ, क्योंकि जब बस कस्टमर आएगा तब फटाफट से देंगे और चले जाऊंगा भाई फटाफट से। ओके पार्सल तो यहाँ पर निकल दिया है, भरा है पार्सल और कस्टमर लगता है आने वाला है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं दोस्तों। तो अंकल जी को पार्सल दे दिया है और देखो दो तीन पार्सल और भी बाकी है, तो सामने जाएंगे। से फिलहाल अभी लगभग दोपहर का 1:30 होने वाला है, तो फिलहाल सामने जाएंगे। भाई यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ, जब मैं OTP वेरिफिकेशन के लिए भेजता हूँ तब इंटरनेट के कारण कस्टमर के मोबाइल पे नहीं जा रहा था। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मोबाइल की वजह से, मेरे मोबाइल की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क जो है वो अच्छी तरह से पकड़ नहीं पा रहा था मोबाइल, और ऊपर से सेकेंड हैंड मोबाइल है भाई, आप क्या ये भरोसा कर सकते हैं इस मोबाइल से। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ, जो भी हो क्या करें भाई, काम चलाओ हो गया है। तो इनको भी दे दिया है, ये देखो जा रहा है मोबाइल दबा दबा के भाई, ये रहा इनका घर, इस तरह से आया था। तो फिलहाल दे दिया मैंने, फिलहाल बाज़ार में पहुँच गए हूँ दोस्तों, और ये देखो बैग में बहुत बहुत सारा बाकी है, और ये भी ढेर सारे यहाँ पर
कस्टमर को फ़ोन करना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। तो एक पार्सल यहाँ पर देना है इस दुकान पे, मैंने फ़ोन करके ऑलरेडी बोल दिया था, तो इसलिए इन लोग बोल रहे थे कि इस दुकान पे देने के लिए, तो मैं यहाँ पर रख दिया। रख दी बार की पूरा ओके। फिलहाल पार्सल वगैरह दे दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी क्योंकि मार्केट का टाइम है ना, देखो देर सारे डूब आज तो निकल गया है और पार्सल भी थोड़ा बैग में बाकी है, इसको भी देना है। फिलहाल कस्टमर को फ़ोन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर शेड के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर छाव है और फिलहाल इतना सारे धूप था बाहर तो क्या बात भाई, पूरा पसीना पसीना हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर रेस्ट करने लगा हूँ, यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ कस्टमर का। तो ऑलरेडी फ़ोन करके बोल दिया है, वो लोग आ रहे हैं और आज तो मार्केट का टाइम है इसलिए देखो देर से यहाँ पर चीज़ें वगैरह सेटअप कर रहे हैं, शाम को यहाँ पर बाज़ार शुरू हो जाएगा भाई। तो उसके पहले हम लोग का जो डिलीवर करना है तो फटाफट से कर देंगे। ओके अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो ये कस्टमर आ गया है, इसको देना पड़ेगा ये दीदी को, ये पार्सल ले लिया है दीदी और ये पे कर दिया ऑलरेडी, तो जा रहे हैं भाई। और भी मुझे काम है तो इनका घर यही है रास्ते के सामने, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया था। तो ये बच्चे जो है जा रहे हैं, तो ये देखो पार्सल लेके, और मैं यहाँ पर देखिए ख़त्म हो गया है। तो फिलहाल अभी जाएंगे ऑफिस। तो फिलहाल अभी दोस्तों ऑफिस में जाएंगे, पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा ही बचा है पेट्रोल। ओह पूरा पसीना पसीना हो गया है, तो चलिए खैर देखते हैं क्या होता है भाई। ओ तो दोस्तों पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पूरा एम्प्टी हो गया है मेरा स्कूटी, और फिलहाल मैं ढलान से देखो ठेल ठेल के जा रहा हूँ भाई, कितना मुश्किल से आया हूँ मुझे पता है भाई। टंकी पूरा पूरा खाली हो गया है और एक बार एक्सेलेटर मार के मैं पूरा आ गया यहाँ पर, पूरा 6-7 किलोमीटर आ गया हूँ। आज तो साथ दे दिया मेरा स्कूटी। ओह चलिए देखते हैं स्टार्ट होता है या फिर नहीं। बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, अभी जा रहा हूँ पूरा ऑफिस पे, एकदम स्पीड मार के जा रहा हूँ भाई, डायरेक्टली ऑफिस में जाके बंद हो जाएगा। तो फाइनली मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं, बहुत मुश्किल के बाद भाई ठेल ठेल के पेट्रोल पंप लेके आया हूं। अभी 50 रुपये का पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लिया है एक्स्ट्रा माइलेज वाला, तो जाते हैं अभी ऑफिस पे। तो ऑफिस वगैरह ख़त्म करके मैं अभी घर जा रहा हूँ,
तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर बड़े वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक एंड शेयर करना एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल और नए ब्लॉग में। बाय बाय।